खबर सीहोर जिले से आ रही है, जहां शिक्षा विभाग एवं परिवहन विभाग की लापरवाही एवं उदासीनता देखने को मिल रही है। यहां देखा जा सकता है कि अधिकतर स्कूल बसों में क्षमता से अधिक छात्रों को बैठाया जा रहा है एवं बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। साथ ही स्कूलों में बच्चों के लिए मूलभूत सुविधाओं का भी अभाव देखने को मिल रहा है। मामला थाना बुधनी का, बुधनी के डीडी कॉन्वेंट स्कूल में ऐसा ही एक मामला सामने आया है, जहां स्कूल में मूलभूत सुविधाओं की कमी है। इस स्कूल में बच्चों के लिए ना तो खेल ग्राउंड की व्यवस्था है और ना ही स्कूल की बिल्डिंग पर स्कूल का नाम लिखा हुआ है। इस स्कूल में बच्चों की जान के साथ खिलवाड़ भी किया जा रहा है। बच्चों को लाने एवं ले जाने के लिए जिन बसों को चलाया जा रहा है, उन स्कूल बसों में क्षमता से अधिक बच्चों को बैठाया जा रहा है। ना ही स्कूल बस में सुरक्षा के लिए कोई सीसीटीवी कैमरा मौजूद है और ना कोई अग्निशमन यंत्र उपलब्ध है। जबकि शिक्षा विभाग एवं परिवहन विभाग के नियमानुसार जब तक किसी स्कूल में इस प्रकार की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं होती, तब तक स्कूल का पंजीयन नहीं किया जा सकता। लेकिन इस स्कूल को देखकर लगता है कि यह स्कूल शिक्षा विभाग एवं परिवहन विभाग की मेहरबानी से चल रहा है। जब इस संबंध में जिला शिक्षा अधिकारी एवं जिला परिवहन अधिकारी से बात की गई, तो दोनों अधिकारियों ने स्कूल पर कार्यवाही करने की बात कही है। बसों में स्कूल का नाम भी नहीं है, वो जो परिवहन नियम है पूरी तरह उसमें उल्लंघन कर रहा है सर। आपने जैसा बताया मुझे संज्ञान में आया है, बाकी अभी इसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं आई थी। और अभी कुछ समय पहले मैंने पूरा सुप्रीम कोर्ट की माननीय सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के तहत उनको निर्देशित भी किया है सभी स्कूल संचालकों को। तो इसमें निश्चित रूप से ये गंभीर विषय है और इस पर मैं कार्रवाई इस पर करता हूँ स्कूल पर। जी सर,